हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खोलने वाले हैं एक किट और देखेंगे उसके अंदर क्या है। सो अब हम इसे खोलते हैं। इसमें एक जिप है और ये पिंक कलर की है और साथ ही में हम इसे बैग या चेन में टांग भी सकते हैं। और इसमें अभी हमें इसकी जिप ओपन करनी है। मैंने खोल ली इसकी जिप और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है एक मैक्सट्रॉन पेन और है इसके अंदर एक मास्क, वाइट कलर का डॉटेड मास्क। और इसके अंदर है एक नॉर्मल पेन और है इसके अंदर एक ज्योमेट्री बॉक्स है। अब हम इस ज्योमेट्री बॉक्स को खोलेंगे। ये मैंने ज्योमेट्री बॉक्स का डिब्बा खोला और इसमें से एक आयरन बॉक्स की ज्योमेट्री बॉक्स निकली है और अब मैं इसे खोल के देखती हूँ इसके अंदर क्या है। वाओ, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चलो अब हम इसे रख देते हैं। अब सबसे पहले हम इस मैक्सट्रॉन पैन की टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम ज्योमेट्री बॉक्स की टेस्टिंग करेंगे कि उसके अंदर जो सामान है वो कैसा है, क्वालिटी का है या नहीं, कैसा चलता है। अभी हम पहले इसे निकालते हैं। ये मैंने निकाल ली, पैन मैंने निकाल लिया है। अब निकालते हैं हम इसको इसके अंदर से। वाओ, देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कैसे चलता है और किस कलर की इसकी इंक है। देखते हैं किस टाइप का ये चलता है। सो मैं लिखती हूँ हेलो। ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है और अच्छी राइटिंग भी इससे आ रही है। और अब लिखते हैं हम हाउ आर यू। बहुत ही अच्छी राइटिंग आ रही है और स्मूथ है ये। तो ये पेन मेरे को पसंद आया और अच्छा भी पेन है ये। अब ये अब हम इसकी कोस्ट देखते हैं कितना कोस्ट का ये है पेन। देखते हैं तो ये ब्लैक इंक का पेन, ब्लैक कलर का पेन ये है और 50 रुपीज़ का ये पेन है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा पेन ये है। चलिए अब हम करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स की। अब हम ज्योमेट्री बॉक्स को खोलेंगे, देखते हैं। चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। अब हम इसके सारे चीज़ें निकाल लेते हैं। एक स्केल, एक डी प्रोटेक्टर, वन नोट प्रोटेक्टर और ये है एक इरेजर और इसमें है एक शार्पनर और ये मूवेबल भी है। अब देखते हैं हम। तो अब हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे इसकी पेंसिल का, पेंसिल और स्केल का। चलिए अब देखते हैं। देखिए इससे बहुत अच्छी लाइन भी खींची है और ये जल्दी से टूटने वाला भी नहीं, ये थोड़ा वैसा है लूज टाइप में ताकि जल्दी से टूटे ना, गिरने के बाद ये जल्दी से टूटे ना, इसलिए ये थोड़ा लूज है। और ये पेंसिल भी बहुत अच्छी चल रही है। देखते हैं। आई एम फाइन। ये पेंसिल एक ड्राइंग पेंसिल की तरह से है जिसे हम नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइट चल रही है, इतनी डार्क भी नहीं है और वैसे ये स्मूथ है।
अब हम देखते हैं इसका इरेजर कैसा है। ये देखिए क्लासमेट का इरेजर ये है। अब हमें इसे यहाँ से ओपन करना है, ओपन कर लेते हैं, निकाल लिया इरेजर। अब इसे यूज करके देखते हैं। देखते हैं कैसा है ये इरेजर। ये इरेजर अच्छा इरेजर है इसका, लेकिन ये दूसरी पेंसिल से लिखा हुआ ये इरेज ढंग से नहीं कर पाता है। ये है स्केल और ये डी, ये एक और स्केल, लेकिन इनकी लेंथ अलग है सबकी। और अब कंपास को हम यूज़ करके देखते हैं इसके कंपास को। तो यूज़ करते हैं, अब देखते हैं कंपास को यूज़ करके। अच्छा है, चलो इसे एक सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए इससे सर्कल भी अच्छा ड्रॉ हो रहा है। सो गाइस ये अच्छा चल रहा है कंपास पे, और अब हम इसे वापस से पैक कर देते हैं। सो गाइस अब हमने कर लिया पैक, अब हम इसे बंद कर देते हैं और रख देते हैं इसके डिब्बे के अंदर। सो गाइस मैंने पैक कर लिया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय गाइस।